हेलो दोस्तों, और वेरी गुड मॉर्निंग। और नेपाल में आज दूसरा दिन है धनकुटा में, और काफ़ी मस्त अभी नहा के उठ चुका हूँ मैं, मतलब उठ के नहा लिया मैंने और सोचा तब इंट्रो दूँ। और क्या ही नज़ारे हैं पीछे देखिए, और वही गजब पैसा वसूल है, काफ़ी बेहतरीन है नज़ारे। सच पीछे आप कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने बैक कैमरा से दिखा दिया है, पहले इससे पहले शॉट वही चलेगा। और काफ़ी सुंदर व्यू है यार, जो यहाँ रहते होंगे उनकी तो ज़िंदगी अलग है भाई यार, कसम से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार ज़रूर आए, और थोड़ा सा बजट बढ़ा के आए। मिर्चिन का होटल काफ़ी अच्छा होटल है और बेहतरीन है, यहाँ पे ज़रूर आए। तो अब बता देते हैं आपको हम लोग, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे धनकुटा, तो आपको क्या बोलते हैं उसको, बेटाटार से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है ये, और काफ़ी बेहतरीन है। बेटाटार भी बढ़िया है, हम लोग इसलिए बेटाटार में नहीं रुके क्योंकि लास्ट टाइम रुके थे, इसलिए सोचे कि भाई कुछ आगे चलते हैं, और आगे आए काफ़ी बेहतरीन लगा। अभी जा रहे हैं यहाँ पे हिले करके कुछ जगह है, वहाँ जा रहे हैं। देखिए अभी पूरा ग्रुप में क्या डिसाइड होता है, फिर उसके बाद बताते हैं, अपडेट देते हैं आपको। मैं रात में कुछ पढ़ा नेट पे, पढ़ा कि भाई धनकुटा में क्या फेमस है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ फुटबॉल एंड और इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस बहुत कहा जाता है। यहाँ पे फुटबॉल बहुत खेलते हैं लोग, और यहाँ से फुटबॉल की बहुत सारी टीमें हैं जो इंटरनेशनल पे हैं और नेशनल इंटरनेशनल जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा, मुझे उतना कुछ पता नहीं है, तो मैं किसी से लोकल से पूछता हूँ और सिटी ऑफ ऑरेंजेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है शायद से, तो मैंने देखे ना सारे घर ऑरेंज कलर है, मैक्सिमम जो घर है सारे ऑरेंज कलर के ही हैं, तो हो सकता है उसी से हो, या हो सकता हो कि ऑरेंजेस यहाँ पर ऑरेंज ज़्यादा होते हो, दैट्स रीज़न। बाकी पूछ लेंगे, पूछने में क्या जाता है। ओके भाई, हामिद भाई तब बताइए कुछ हमको, यहाँ का जो है, जैसे यहाँ आदमी रहता है, यहाँ का बच्चा सब पढ़ता कहाँ होगा, ये हमको नहीं समझ आ रहा। जाहिल आदमी स्कूल होता है, थोड़ा सा जाहिल नहीं है, इनकी बातों को इग्नोर करें, हमारे इरफान भाई बताएंगे। इरफान भाई कहाँ जाना है आपको, इधर जाइए और मस्त आ जाइए। जाना है कौन ने कहा, राजरानी क्या था वो, राजरानी हिले हिले, मस्त जगह, रात में रिसर्च किए हैं, अभी जाएंगे वही, यहाँ से 7 किलोमीटर है, आराम से बोटिंग करेंगे। और वो भी जाएंगे ना हिले बाज़ार, हाँ हिले बाज़ार भी जाएंगे, वो भी मस्त जगह है। चलिए, और देखिए पीछे का नज़ारा जो आपको ब्लर आ रहा होगा, और बाकी हम लोग छत पे हैं, चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों नहाने के बाद वापस से थोड़ी आलस आ रही है, इसलिए सोने का मन कर रहा है, तो अभी जब तक ऊपर वाले हम लोग, मतलब मेरे दोस्त वगैरह अभी तैयार नहीं होते, तब तक एक नैप ले लिया जाए यार छोटा सा, क्योंकि यार थकान हो रही बहुत बहुत ज़्यादा थकान हो रहा। और एक और बात सजेशन दूंगा आप लोग को, अगर जब भी अगर धनकुटा आए तो ये मिर्चुंगा करके होटल है, इसी में ही रहें, वन ऑफ द बेस्ट होटल है, आपको अगर धनकुटा में रहना है तो वन ऑफ द बेस्ट होटल, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ का मौसम एकदम धूप हो रहा था, और अभी देख लीजिए पीछे, एक सेकेंड देखिए कैसा एकदम कोहरा कोहरा हो गया। तो यही है पहाड़ की ज़िंदगी, और काफ़ी सुंदर व्यू, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों ये है अपनी
सिटी ऑफ ऑरेंजेस और इस तरह का कुछ नज़ारा है इधर का फ्रंट का। और बाकी ये रहा मैं, इधर से अपन लोग आए हैं और अब इधर जाएंगे। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट अच्छा देखा था हम लोगों ने, अब वहीं जाते हैं देखते हैं। हाँ मना रहा है ये ये आवाज डालेंगे नाजा पे भेजेंगे। तो दोस्तों अपन लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये रूम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। दो तीन दिन और रहने का मन कर रहा है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। कोई बड़ा आदमी है तो भेज दे थोड़ा। हाँ कोई अमीर आदमी है। एक दिन का खर्चा 13,700 रुपया रहा है ओनली रूम का, साथ में कुछ गरीब लड़का सब भी है, इतना कॉस्टली खर्चा नहीं खा पाए इसलिए रूम खाली कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ अमीर दिखे वहाँ गरीब आ जाते हैं मक्खी बना के। तो हमारे हामिद भाई कह रहे हैं कि ये लड़का सब वीडियो कैसे बनाता है, ऐसा बनाता है वीडियो, समझ गया है? बोलिए क्या भारत माता की जय। देखो दोस्तों तब बताएंगे बना रहे, बोलिए अमीन है बाहर घूम। देखो देखो दोस्तों अभी जो कुत्ता अभी भुक्कर से को लेकर छोड़ दे गया में डाल के खाना खिलाने के लिए। आम देखो हेलो फ्रेंड्स, और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हम लोग हैं धनकुट्टा में, ठीक। धनकुट्टा पड़ता है नेपाल में, और ये जो सिटी है काफ़ी बड़ी सिटी है और ये फेमस है अपने नाम से ऑरेंज सिटी। और यहाँ पे काफ़ी ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, और दूसरी बात और यहाँ बहुत सारे फुटबॉल वगैरह भी हैं जो यहाँ की फुटबॉल टीम वगैरह खेलती है, और बहुत सारे सीन है जो इतने सारे यहाँ पे, मतलब आप अगर आप आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए तो बहुत सारे जगह हैं। और मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा जल्दी है अपने घर जाने की, कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं आज बस केवल धनकुट्टा सिटी ही एक्सप्लोर करूँगा। और नेक्स्ट टाइम फिर हम कभी आएंगे तो हम आगे जाएंगे, जैसे हिले बाज़ार वगैरह हो गए उधर जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इधर ही करेंगे, हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया हम लोगों ने हमारे रूममेट से, और उसके बाद हम लोग थोड़ा चलते हैं यहाँ पर। और जो जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं वो होटल बहुत परफेक्ट है, और मेरे पीछे कैमरा मैन राजा। हमको भी काट दीजिए, आइए। ये हमारे कृष्णा जी हैं और रिश्ते में यही थे, और काफ़ी बेहतरीन अच्छे आदमी हैं। प्लीज़ अगर आप यहाँ से इंडिया से आते हैं तो यहाँ पे विजिट करें और कृष्णा जी से मिलें। इनका मैं कार्ड ले रहा हूँ और मैं उसका फोटो अपने यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है? कार्ड दीजिए मुझे, ठीक है? ठीक है सर, मिलते हैं, मिलकर अच्छा लगा आपसे, ठीक है? तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चलिए मिलते हैं कहीं और अपना होटल। तो ये हमारे भाई सब हैं, ये अपने, आपका नाम क्या सर? विष्णु। विष्णु भाई आपका? मेरा नोगेंद्र है। नोगेंद्र। और सर आपका? सिद्धांत। सिद्धांत। हाँ ये लोग बहुत अच्छे नेपाल के अपने भाई लोग, और यहाँ मिल आके बहुत मज़ा आया, और आप लोग भी आए यहाँ पे, ठीक है सर जी, चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ ब्लॉगिंग डालते हैं हम लोग, ठीक है? उनको उतार रखा मेरे किसी को, ठीक है? बाय बाय। चले दोस्त निकल जाए, एक बार चश्मा लाइए ना, चश्मा किसको दिया है? बॉस को। चलिए दोस्तों, पीछे मौसम देखिए अद्भुत, और हमारे भाई लोग थोड़े फोटो खिंचा रहे हैं, हम भी फोटो खिंचाएंगे। और ये मौसम देख के हम लोग यहाँ रुके, कुछ गजब का मौसम है। हाँ जमशेद भी, हम भी हैं, इधर आइए इधर आइए। हाँ बोलिए, सब जाए भाड़ में, हम लोग आ गए पहाड़ में। ये सही है, सब जाए भाड़ में, हम आ गए पहाड़ में, सब टेंशन जाए भाड़ में, और हम लोग आ गए पहाड़ में। पीस। दोस्तों
बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। हाँ बोलिए। तो चलना पड़ेगा मेरी जान, पे जो वाटर स्नोर फुल हो रहा है। रहने दीजिए ना बाबूजी, इंग्लिश की माँ बन काय कर रहे हैं आप? कॉमेडी कर रहे हैं। दोस्तों बारिश होने लगी जिसके कारण हम लोग को इस छोटे से श्रेणी में रहना पड़ा। और बैठ जाने, बारिश हो रही है, बारिश। ओके ओके। और ये हमारे अंकल जी थे, काफ़ी अच्छे बोली विभाव चार मेहनत भेज रहा भाई। दोस्तों यहाँ भीग चुके हैं हम लोग पूरा, और कुछ इधर ये सीन देखे पूरा एकदम मज़ा सा आ गया, इसलिए रुक गए। तो जब भीग गए हैं तो पूरा एंजॉय कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं तैमूर पुल, और ये रहा देखिए तैमूर पुल इस तरह का। और यहाँ शायद से मुझे लग रहा यही कोसी है, और इतना कुछ कन्फर्म नहीं हूँ, किसी से पूछ भी सकता, तो बताने का है नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए यही है अपना, और आइए आपको नदी दिखाता हूँ, काफ़ी भयंकर नदी है। ए चलना है उधर क्या इरफान भाई, चलिएगा। ये अपने पीछे तैमूर पुल है, और इधर का कुछ एरिया है, और इधर ही अपना धनकुट्टा है, और इधर अपना धरा लिटहरी वगैरह। बोलिए हमें जी, पूरा भीग गए आप? और तेरी ओम फो बोलिए घराटे घाटी क्या बोलना है? भारत माता की जय। आमिर जी दो शब्द आपके मुझे सुनना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बारिश में अगर मोबाइल भींग जाएगा तो आप करेंगे क्या, ये जवाब दे। नया मोबाइल लेंगे लेकिन ये पिक्चर जो है सब खत्म हो जाएगा ना, कैसे होगा तो फिर।